विवेक तिवारी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि बुनियादी जांच में ये पता चला है कि विवेक तिवारी ने अपने एसयूवी कार से आरोपी सिपाहियों के बाइक को टक्कर नहीं मारी थी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तकनीकी जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि विवेक तिवारी ने अपने एसयूवी कार से आरोपी सिपाहियों के बाइक को टक्कर नहीं मारी थी। आपको बता दें, फेक एनकाउंटर के दो मुख्य आरोपी प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने ये बयान दिया था कि मृतक विवेक तिवारी ने दोनों सिपाहियों को अपने गाड़ी तले रौंदने और जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी और विवेक तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक बाइक में लगे सायरन और तेल टैंक के जांच में पता चला है कि वो किसी एसयूवी कार के टक्कर की वजह से डैमेज नहीं हुआ है, बल्कि उसे किसी भारी चीज के इस्तेमाल से जानबूझकर डैमेज किया गया था। जांच अधिकारियों के मुताबिक अगर एसयूवी से बाइक को डैमेज करने या रन ओवर करने की कोशिश की गई होती, सबसे पहले बाइक की रिम और स्ट्रक्चर डैमेज होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें बाइक का इंडिकेटर, सायरन और तेल टैंक डैमेज हुआ है, ना कि रिम या बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर बाइक एक्सीडेंट होती तो सबसे पहले हैंडल डैमेज होता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो कुछ बोलने से इनकार कर गए और जांच के नाम पर सवालों को टाल गए। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।